आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वीडियो जिसका रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों ने किया है। मैंने ऑयल स्टेन रिमूव करने का वीडियो शेयर किया था, उसे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और साथ ही इंक के दाग हटाने का वीडियो बनाने का भी रिक्वेस्ट किया। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कपड़ों पर से इंक के दाग कैसे हटाए, और वो भी बहुत ही आसान और सही तरीके से। अक्सर पेन के दाग पॉकेट पर लग ही जाते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, और पॉकेट के दाग सामने होने की वजह से छुपाए भी नहीं जा सकते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो शर्ट सबसे फेवरेट होती है उसी पर इंक के स्टेन लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉकेट पर इंक के स्टेन है और ये जेल पेन के निशान है और पुराने दाग हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू रिमूव इंक स्टेन फ्रॉम शर्ट। इसी के साथ मोनिकाज किचन में आपका स्वागत है। इजी और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। कपड़ों से जेल पेन की इंक के स्टेन रिमूव करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका अपनाएंगे, तो इसके लिए हमें कोई खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। घर के ही मौजूद सामान से हम इसे साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टूथपेस्ट लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कोलगेट टूथपेस्ट है, आप कोई भी वाइट कलर का टूथपेस्ट ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी इंक का निशान है तो वहाँ पर हम कपड़े के दोनों तरफ टूथपेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉकेट के अंदर भी मैं जहाँ पर निशान है वहाँ पर टूथपेस्ट लगा दूंगी, उसको अच्छे से कवर कर देंगे। इससे पहले मैंने कपड़ों पर घी तेल के दाग के निशान हटाने का भी एक वीडियो शेयर किया था, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। वो भी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो अभी हम निशान के ऊपर भी सीधी साइड भी लगा देंगे और उल्टी साइड भी दोनों तरफ हम टूथपेस्ट लगाकर रख देंगे। इस तरह से अच्छे से कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह सूखने के लिए रखेंगे। तो अभी टूथपेस्ट सूख चुका है, तो कोई भी पुराना यूज्ड टूथब्रश लेंगे और उसको थोड़ा सा पानी लगाकर हम उस जगह पर रब करेंगे जहाँ पर हमने पेस्ट लगाया है। तो इस तरह से अगर आपकी किसी शर्ट पर या किसी ड्रेस पर जेल पेन की इंक के स्टेन है तो आप इसी तरह से साफ कर सकते हैं, निशान पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो जिस तरह से हमने कपड़े के दोनों तरफ टूथपेस्ट लगाया है उसी तरह से हमने दोनों तरफ से रब करना है। तो मैं पॉकेट के अंदर की तरफ से भी टूथब्रश से रब करूंगी। तो भी आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर सा निकल रहा है। टूथब्रश से रब करने के बाद हम कपड़े को धो लेंगे और टूथपेस्ट को निकाल देंगे और फिर कपड़े धोने वाले साबुन को हम निशान के ऊपर रब करेंगे। तो आप जो भी कपड़े धोने के लिए साबुन यूज करते हैं वो ले सकते हैं। तो निशान के दोनों तरफ हम लगाएंगे, तो मैं पॉकेट के अंदर भी साबुन लगा दूंगी। अगर निशान पुराना है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन निशान जरूर उतरेगा। तो अब हम इसको रब करेंगे। तो निशान वाली जगह पर जहां पर हमने साबुन लगाया है उसको अच्छे से रब कर देंगे। तो मैंने पॉकेट के अंदर और बाहर से दोनों तरफ से रब किया है। पॉकेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से रब करेंगे और फिर इसको धो लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पॉकेट से इंक के स्टेन रिमूव हो चुके हैं। शर्ट को पूरी तरह से सुखाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप इस तरीके को एक बार ट्राई जरूर करें और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पॉकेट के अंदर से भी इंक के स्टेन जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और अभी शर्ट सूख चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि पॉकेट पर इंक का निशान बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।